जी मेरा सवाल रहेगा आप लोगों से, जब बारिश का जिक्र होता है तो आप लोगों का नाम तो आता ही है, बट दो जो है शहीना एंड तेजरन, ये दोनों का नाम तो काफी आ जाता है, तो इन दोनों में डिफिकल्ट कितना रहता है चूज करना, शहीना के पास जाना चाहिए या फिर तेजरन के पास जाना चाहिए गाना आपका? तेजरन कौन? हमने लास्ट ईयर जो मॉनसून सॉन्ग किया था विद वायरल ओरिजिनल्स, वो था बारिश आई है, दैट वाज आल्सो अ सुपर डुपर हिट सॉन्ग, उनके साथ में हमने किया था। और ये टाइम हमने हिना और शेर के साथ में किया है, जो जाने जाते हैं बारिश, यू नो बारिश बन जाना ऑलरेडी इतना ब्लॉकबस्टर गाना था, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो गई कि हिना और शेर हमारी मेलेडी के अंदर उन्होंने इतना यू नो बड़ा वीडियो करा और इतने अच्छे लग रहे दोनों, हमारे लिए बड़ी बात है। बड़ी बात तो डेफिनेटली हमारे लिए है, बट जैसे कि ये आपने जो बात इनसे पूछी है कि चूज करना कितना डिफिकल्ट है शाहीना में या तेजरन में, आई थिंक दे लुक ब्यूटीफुल टुगेदर एज अ कपल, करण एंड तेजस्वी, एंड उनका जो गाना पहले आया बारिश जो लास्ट ईयर आया, वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगे, और मुझे नहीं लगता है कि कभी भी आप कंपैरिजंस ड्रॉ कर सकते हो कि कौन बेटर लग सकता है। आई थिंक जब एक गाना लिखा जाता है आपको आपके दिमाग में एक आर्टिस्ट होता है और आप उस हिसाब से लिखते हैं, तो शायद इस बार हमें अपॉर्चुनिटी मिली, बट आई एम श्योर अगर करण और तेजस्वी ये गाना करते हैं तो दो इक्वली बहुत अच्छा करते, इनफैक्ट हो सकता है हमसे बेटर करते, तो आप वी आर थैंकफुल टू यू कि आपने हमें चुना, थैंक यू। शहीर जो पहला गाना आया था उसके में और ये वाले गाने में काफी सालों वेट हमने किया, अब नेक्स्ट गाना आएगा उसके लिए भी काफी साल वेट करना पड़ेगा, तुरंत गाना आएगा, आप इसको सुपर हिट बना दीजिए, हम 2 महीने में नया गाना ले आएंगे। So that means surprise वही है ही ना, वो तो बता नहीं सकते अभी surprise, but मैं भी उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, इसे पता है पर surprise कैसे है? Exactly. अगर surprise बता दिए तो surprise कैसे है? Exactly. बट बड़ा खूबसूरत surprise है। Thank you everyone. हमने आपको ऑन स्क्रीन रोमांस करते देखा है, काफी वेडिंग बेल भी यू नो बज चुके हैं, आपकी वेडिंग बेल्स कब बजने वाली है? मेरी वेडिंग बेल, मैं जैसे हूँ जिस हाल में हूँ मैं बहुत खुश हूँ, और मुझे लगता है कि जितने भी आसपास में लोग देखती हूँ जिनकी शादियाँ हुई हैं वो खुश हैं लेकिन कभी कभी परेशान भी रहते हैं, तो इस बेटर मैं बिना शादी के खुश हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच फॉर योर।